आगे पीछे वाले सब बोलो ओम शांति वेरी गुड और दोबारा बोलेंगे ओम शांति गुड मॉर्निंग मंगलम भगवान विष्णु का दिन है हाँ। कितनी खुशी की बात है मंगलम भगवान का विष्णु का दिन है नहीं तो मंगल की ग्रहचारी बड़ी करी होती है पर भगवान विष्णु का दिन है तो जो विष्णु का दिन याद करते हैं उस पर कोई ग्रहचारी नहीं आ सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा सहज विधि है अच्छी तरह से विचार सागर मथन करो ना तो सारे सागर को कर लेंगे कोई सदाई गंगा जल पीते हैं कोई गंगा जल लोटा भर के रखते हैं आइविल के लिए कोई गंगा जल की अंचली भी लेते हैं किसको गंगा जल की बूंद भी मरने समय मुख में डाल देते हैं तो इतना बाबा जो गीत तो है प्यार का सागर तो पहले प्यार के सागर ज्ञान के सागर शांति के सागर आनंद के सागर जो सागर में न तो लगाता है पर बाबा कहते तो सागर को हप कर लेते हो तो, तो सागर को हप कर लेना अपन में समा लेना हेमा सबको ट्रांसेशन नहीं मिल रही है हो रही है ना अच्छा रविना ट्रांसेशन मिल रही है ना अच्छा 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 मधुबन में हर प्रकार की सैल्यूशन मिलती है साधन भी है तो साधना भी है पर साधना जितनी करनी हो ना तो अपन को सदा एक न सिर्फ आत्मा समझो पर मधु समझो आत्मा समझेंगे बाबा का बच्चा हूं परंतु मधु समझेंगे तो त्यागी बन जाएंगे ऐसे त्यागी बनना सहज नहीं है तो बाबा ने हमको हमारी एड्रेस ही रखी है मधु वनवासी कहाँ भी जाए तो सबको पता है हमारे कपड़ों से रहने से करने से ये तो मधु है कहाँ रहते हो तो एड्रेस क्या देंगे अपन को मधु समझना न सब बुद्धि से समझना प्रैक्टिकली बाबा ने हमारा मधुबन हमारे लिए मधुबन ऐसा संगम युग पर बनाया है जो मधु जैसा मीठा भी बनना है त्यागी भी बनना है अगर मधु जैसा मीठा न बने मधु मीठा माखी कैसे देती है कमल कमाल है? एक मक्खी बीमारी फैलाती है दूसरी मक्खी बीमारी दूर कर देती है पर जो दूर करने वाली है ना उसमें संगठन की शक्ति बहुत है बीमारी को भगाने के लिए मधुमक्खी में इतनी संगठन की शक्ति है जो संगठन से कोई टच करे ना उनको काट लेगी उसको संगठन से अलग न होगी न होने देंगी किसी को ऐसे हमको अगर मधुमक्खी बनना है आ, तो संगठन की शक्ति से जो मधु निकलती है सारी विश्व की बीमारी को खत्म करने के लिए तो आज बाबा ने कहा तंदुरुस्त कौन है तंदुरुस्त शब्द है शायद शरीर से हेल्दी हो तो बनने के लिए बहुत आजकल साधन बहुत हेल्दी के लिए ऐसा डाइट करेंगे ऐसी एक्सरसाइज करेंगे पलान करेंगे फालतू खर्च करते रहेंगे और हम हेल्दी माइंड ऐसा हो माइंड बॉडी को चलाएंगा बॉडी माइंड को नहीं चलाती है ऐसे है ना बॉडी माइंड को चलाएंगे क्या माइंड उसको क्यों आजकल बाबा ने कह दिया है मन बुद्धि तेरा तो बुद्धि फालतू बात को सुनी बाबा ने कहा सुनी अन सुनी कर दे वे। और देखे नहीं कुछ देखने में बाबा दिखाई पड़ता है ना तो सारा दिन बाबा हमको देखता है हम बाबा को देखते हैं तो हमारी दृष्टिवृत्ति चेंज हो जाती है है किसी को अनुभव बाबा दृष्टि देता है कोई लेने वाले लेवे या न लेवे बाबा दृष्टि देता है कोई हजारों माइल दूर कहाँ भी है बाबा की दृष्टि से मां सुखी बनता है पर तो हमारी दृष्टि में बाबा ऐसा हो वृत्ति ऐसी हो तो जैसे मैंने बाबा की दृष्टि से सुख पाया है वो भी ऐसा सुख का अनुभव करे मृत्यु जब सुन रहे हो हा? ये मस, -मस दिखाई पड़ता है ना मेरे को तो मैं कहती हूँ ऐसी बाबा ने जो मधुबन में रहने वाले हम भी रहती है हम तो मेरी एड्रेस से ही है पांडव मौन इंद्रप्रस्त बड़ा नशा चढ़ता है कैसे वीआईपी भी आते हैं ना मैं कहती हूँ इंद्रप्रस्थ में इंद्रपस्त्र जैसे आया ना भूलेगा नहीं आ? क्योंकि टावर ऑफ पीस सामने है न सिर्फ पीस है पर लव भी है पावर भी है नॉलेज भी है टावर पीस नॉलेज भी है लव भी है पावर भी है पीस भी है चारों हो हमारे अंदर तो लाइट हाउस का काम करेंगे बड़े बड़े देशों में टावर होता है ना मशहूर होता है ध्यान चला जाता है टावर ना हो ऐसा कोई मैं नहीं समझती देश बड़ा देश ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा जहां टावर न हो तो ऐसे लगता है दो दिन में बाबा आने वाला है दो दिन बचे हैं बाकी सो गुरुवार के दिन बाबा आने वाला है तो हर एक अंदर अपने आप को देख ले मैं कौन हूँ मेरा कौन है विचार सागर मथन वो कौन करेगा बाबा ने आज का बहुत समय के बाद गऊ को खाना मिलता है सारा दिन चबाती है सारा दिन मुंह चलाती है सारा दिन हो जाती है सुबह को अमृत वेले से बाबा से मिलना हो गया अच्छा हो गया मूली सुनी तो सारा दिन अगर मूली पर अंदर से न सिर्फ चिंतन पर मंथन किया हुआ तो मुझे मधुबन पूछा था विचार सागर मंथन कैसे किया जाए और क्या फ़ायदा है ऊपर में पांडुपन में क्वेश्चन आंसर में मैंने विचार सागर मंथन से मक्खन भी मिलता है तो छाछ भी मिलती है मक्खन शक्ति देता है छाछ ठंडा बना देती है इतना अकल चाहिए भी चा सा मक्खन खाने का, का। बड़ा अकल चाहिए मक्खन निकालना सहज बात नहीं है आप रोटी बेलना सहज है दाल भात बनाना सहज है पर मक्खन कोई निकाल के दिखावे बड़ा धीरे धीरे बड़ा शांति से बड़ा प्यार से उसको गर्म पानी चाहिए कितना गर्म चाहिए कितना ठंडा चाहिए जो मक्खन अलग हो जाए छाछ अलग हो जाए मक्खन पूरा अच्छा ऐसा, ऐसा निकाल के बाबा के आगे रखे बाबा बाबा ने मक्खन अच्छा और मक्खन मैं थोड़ी खाएंगी सिर्फ ऑटोमेटिक पुराने ज़माने में हमारे लोग के घरों में भी छाछ का इतना भर मटका होता था और इतना मक्खन सारे घर में मक्खन और होवे तो कोई बीमारी नहीं आ सकती तो मन की बीमारी भी कोई आ नहीं सकती ताज तो बाबा ने सुना है मन की भी बीमारियां जो है ना वो ही बीमार है जो मन की बीमार है वो बीमारी फैलाते हैं तो बीमारी हमारे मन की जाए तो तन तो पुराना है कितनी कमाई करता है औरों को कमाई कराता है दानी महादानी वरदानी बनाता है ये तन में बैठ के आत्मा कमाई इतनी करे जो दानी फिर महादानी गिनती नहीं करता है महादानी उसके पास आता है सफला होता है आ? वरदानी बन जाता है तो अभी अभी वो समय है आ, बाकी भी बाबा ने बड़ा अच्छा प्यार से समझाया है संडे के मोले में एका एक नामी से रहना एक नामी हो करके रहना एक बाबा के याद में रहना एका एक नामी से चलने वाले इस सब्जेक्ट में जो हंड्रेड मार्क्स लेते हैं उसका बेड़ा पार है आ, क्यों यज्ञ सेवा है ना यज्ञ सेवा में एक है खर्च करने वाले दूसरे है सफल करने वाले तो अभी दो दिन है बाबा के जो बात की कमी हमारे में है हर एक में जो है कमी को समाप्त करे बाबा कहता भी समय है कमी को समाप्त करके संपन्न बनने का किसकी कमी न देखना हरे की विशेषता अपनी है सर्वगुण संपन्न मैं नहीं बनू सब भी बनेंगे जरूर बनेंगे अभी बनेंगे आ, अटेंशन से बनेंगे कोई भी मुझ आत्मा में कोई अवगुण शरीर में है ना शरीर द्वारा ही संबंध द्वारा ही गुण और गुण का पता चलता है हम मुस्कुराते रहेंगे तो मुश्किल कोई बात है नहीं पर मुस्कुराएंगे कैसे किसी से हम मुस्केंगे किसी को देखेंगे भी नहीं तो ये बाबा कहते हैं दुबदा दृष्टि में न हो जो कोई कमी मैंने कोई कोई अच्छे अच्छे जब संगठन में बैठते हैं तो मैं कहती हूँ आज अपनी कमी निकाल के अपनी कमी आप ही दूसरी की कमी को देखना आजकल मन है परंतु अपनी कमी को देखना ये है समझदार सच्चे सारे बाबा के बच्चे का काम जो मेरे में कोई कमी न हो भगवान की मेहरबानी है हमारे ऊपर इतनी दया कृपा है इतनी बाबा को हमारे को आगे उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कितना बाबा को फिक्र लगा हुआ है हम बच्चे आगे बढ़े चढ़ती कला में जाएं तो तेरे भाने मुझे ये बात बहुत बाबा की बार बार याद आती है रात्रि क्लास में कहा था ऊपर हिस्ट्री हॉल में बच्ची जानती हो चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला वैसे भगवान के लिए गुरु वाणी में है तेरे भाने में भगवान पर बाबा कहते तेरे भाने ऐसे अंगुली उठा के तेरे भाने सर्व का भला जी बाबा इतना ध्यान खींचवा है अगर हम रुकेंगी तो सबका क्या हल होगा या किसको रोकेंगी? तो कितना कोई कारण से मेरे कहा से कोई रुकता है तो मेरे खाते में क्या जमा होगा तो तेरे भाने भगवानों वाच्य बच्चों प्रत्य सर्व का भला इतना ध्यान रखना होगा जो कर्म जो बोल जो वाणी मुख्य बात है अंदर संकल्प जो है ना इतना शुद्ध श्रेष्ठ जैसा होगा अनुभव है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प में बाबा अपनी शक्ति भरता है वैसे हम हमारी भावना अनुसार जो पुरुषार्थ करते मदद मिलती है परंतु तो ये अनुभव है संकल्प की क्वालिटी में अति शुद्ध हो श्रेष्ठ हो सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण भावना हो और ब्राह्मण आत्माओं के प्रति अतिशुभ भावना हो आगे हम कहते थे शुरू शुरू में बचपन में हमारा ज्ञान का बचपन एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है खुद तो सावधान रहना है पर एक दो को सावधान करके अभी तो सावधान करने का जमाना नहीं है हा? किसको सावधान करो तो हमको सावधान मिलेगी वो जमाना नहीं है, है जमाना सब पुराने पुराने पचास साल वाले बैठे हैं पचास साल नहीं पैंतालीस साल वाले बैठे हुए होंगे पहली लाइन में हा? है जमाना वो बिज़मन भाई है सावधान कर परंतु नहीं शुभ भावना से एक दो के उन्नति के लिए इतना जो संकल्प हमारा पहुंचे, तो मैं ये पुरुषार्थ नहीं करती हूं, परंतु उसका फल बड़ा अच्छा है न शिक्षा न सावधानी परिवार में ब्रह्म परिवार है बाबा शिक्षा सावधानी देता है अच्छी तरह से देता है